डिप्यूटी चेयरमैन सर, माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर इस सभागृह में चर्चा हो रही है। सभी पार्टी के लोगों को बोलने का मौका आपने दे दिया है, इसलिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। मेरी जो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है, जिस पार्टी की स्थापना डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने की थी, और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी चाहते थे कि अपने देश में टू पार्टी सिस्टम होनी चाहिए, इसलिए उन्होंने राम मनोहर लोहिया जी को भी एक पत्र लिखा था। और उसके पहले ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन पार्टी थी, और 1952 के चुनाव में बाबा साहब अम्बेडकर जी मुंबई से लोकसभा चुनाव लड़े थे लेकिन हार गए थे। तो उस पार्टी से मैं आता हूँ, और माननीय राष्ट्रपति का अभिभाषण जो है ये सर्वांगीण विकास की सरकार की दिशा दिखाने वाला ये अभिभाषण है। ये अभिभाषण नेशन को मजबूत करने वाला है। दलित है, आदिवासी है, ओबीसी है, पिछड़े वर्ग के लोग है, किसान है, मजदूर, खेत मजदूर है, कामगार है, महिला है, युवा है, बेरोजगार है, ऐसे सभी लोगों को न्याय देने की दिशा दिखाने वाला ये अभिभाषण है। और इसीलिए इस अभिभाषण का स्वागत करने के लिए, इसका सपोर्ट करने के लिए मैं यहाँ खड़ा हूँ। और जिस तरह मतलब मैंने मांग भी किया था कि अभी 2021 के जो जनगणना हो रही है, तो ये जनगणना जो है जनगणना जाति के आधार पर होनी चाहिए, ताकि हर जाति का परसेंटेज कितना है इसी तरह उसकी जानकारी भी मिल सकती है। मेरे पार्टी की तरफ से मेरी ये भी मांग है कि महाराष्ट्र में मराठा समाज आरक्षण मांग रहा है, हरियाणा में जाट समाज आरक्षण मांग रहा है, राजस्थान में राजपूत समाज आरक्षण मांग रहा है, यूपी में ठाकुर समाज आरक्षण मांग रहा है, तो क्षत्रिय समाज की एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन भी अपने देश में है, तो इनके लिए भी मतलब जिस तरह इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 10% आरक्षण देने का निर्णय प्रधानमंत्री जी ने ले लिया है। कंक्लूड करिए, हो गया दो एक, एक मिनट भी नहीं हुआ, एक मिनट दो मिनट। आपका नाम माननीय चेयरमैन साहब ने पुकारा था, आप उस वक्त थे नहीं, अब समय कम हो गया। प्लीज बैठा हूँ मैं, प्लीज प्लीज प्लीज। अब इसीलिए मैं मतलब जो क्षत्रिय समाज है उनके लिए मतलब अलग से आरक्षण देना चाहिए, इसी तरह की हमारी सूचना है। और बाकी जिस तरह शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए प्रमोशन में रिजर्वेशन देने के संबंध में भी विचार होना चाहिए। इसके साथ साथ मतलब जो अभी किसान बिल जो आया है, तो इस किसान बिल के संबंध में मतलब हमारा कहना ये है कि भाई नरेंद्र मोदी जी किसानों के वोटों पर सत्ता में दूसरी बार आए हैं, वो नरेंद्र मोदी क्यों किसानों के खिलाफ बिल लाएंगे? ये बिल मतलब ये बिल बोल रहे हैं कि भाई ये बिल है काला, मतलब ये सभी लोग बोल रहे हैं कि भाई ये बिल है काला, और जो बोलते हैं कि ये बिल है काला, उनके मुंह को क्या लगाना है क्या ताला? मतलब उन्होंने मतलब ये बिल इतना अच्छा है, इस बिल का समर्थन मतलब होना चाहिए था। आंदोलन करने वाले किसानों के बारे में हमें बहुत बड़ा आदर है, और लेकिन इतने दिन आंदोलन नहीं करना चाहिए, हमने भी आंदोलन किया है, आंदोलन करते करते हम भी लोग इधर आए हैं, लेकिन इतने दिन किसानों को तकलीफ देना, जो 170 उनका मृत्यु हुई है, इसके कौन है जिम्मेदार है इसके लिए? तो इसीलिए मुझे लगता है कि आंदोलन मतलब जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे दिया है, तो आंदोलन की क्या आवश्यकता है? आंदोलन पीछे लेने की आवश्यकता थी। और सरकार ने भी बोला है कि जो सुप्रीम कोर्ट आदेश देगा वो हमें मंजूर है, और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरे स्पीकर को बुला रहे हैं। अटल जी समय अपने पास कम है, और इसीलिए मुझे लगता है कि इस कानून के संबंध में पॉजिटिव विचार होना चाहिए। डॉक्टर बदल कर प्लीज 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 कम, डॉक्टर अनिल जैन इन्हीं शब्दों के साथ मैं डॉक्टर अनिल जैन प्लीज मेरे दो शब्द खत्म करता हूँ। धन्यवाद, जय भीम।